राजा महाराजाओं सेठों की कहानियां तो आपने अक्सर सुनी होंगी, लेकिन हमारा दिमाग तब ज्यादा खनकता है जब हम उनकी हवेलियों महलों में रखे हुए एंटीक कलेक्शन को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लेकर आया हूं राजस्थान के पोखरण के किले में। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक शूटिंग होता हुआ सेट दिखाई दिया और उस शूटिंग के अंदर जितना भी कलेक्शन आया है दोस्तों वो उन किलों का उन हवेलियों का ही है जो एक वक्त पहले शाही राजघरानों के द्वारा इस्तेमाल में लाए जा रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना दोस्तों इन चीजों को अपनी वीडियो में कैद करें और कैद करने के साथ में आपको यह भी दिखाएं कि आज से तकरीबन पहले के वक्त में यानी कि 100-500 वर्ष पहले किस तरह की चीजें इस्तेमाल में की जाती थी। तो दोस्तों हम यहां पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस वक्त के बने हुए बर्तनों में जिसके अंदर पानी वगैरह भरा करते थे, जिसमें कुछ सामान रखते थे। तो दोस्तों ये पूरे का पूरा लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है ना। इसको देखकर ऐसा लगता है पोर्ट को कि मानो इसमें वो अपना कुछ कीमती सामान रख देते होंगे ऐसे रखकर। और ये इतना बड़ा आपको वैसल दिख रहा है दोस्तों, ये पूरा आयरन का बना हुआ है और इसमें शायद वो अपने घर का कुछ सामान वगैरह रखने के लिए इसको इस्तेमाल में लाते होंगे। और देखिए यहाँ पर राजा महाराजाओं के समय में जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, तो रात के वक्त में वो आग जलाकर मशाल जलाकर जो रोशनी करते थे उसमें इस प्रकार की ही चिमनियों का, इस प्रकार की ही जो साइज की जो पूरी फॉर्म दिख रही है आपको, ऐसी चीजों में ही वो आग अंगारे बनाया करते थे। दोस्तों अक्सर आप लोगों का ना ये प्रश्न रहता है हमसे कि आप जितने भी किलों में जाते हो वहां पर दरवाजे नहीं होते हैं, तो राजा महाराजा जब कभी भी अपने कपड़े वगैरह चेंज करते थे तो क्या वहां पर कोई दरवाजे नहीं होते थे? तो दोस्तों वहां पर इस्तेमाल होता था वुडन पैनल, और ये वही वुडन पैनल है दोस्तों, लाइक एक ताश के पत्तों की तरह ऐसे खुलता है और इसमें वो टेक्निक इस्तेमाल की गई है कि ये ऐसे हो जाएगा और कुछ टाइम के बाद आप इसको ऐसे खोल के 4-3 फॉर्म में बना सकते हो। यहां पर देखो कितने सारे दोस्तों ये पुराने समय के बर्तन रखे हुए हैं और इन बर्तनों के अंदर आज भी वो शान और शौकत जिंदा है जो उन हवेलियों से निकालते वक्त इसमें बरकरार थी। यहां पर मिट्टी का कितना ऊंचा है कि पोर्ट बनाया गया, शायद इसको एक गुलदस्ता या रखने के लिए कुछ काम आता होगा दोस्तों। ये देखिए जो इनके रथ होते थे ना दोस्तों, उन रथों के अंदर इतना भारी है लकड़ी का चक्का इस्तेमाल होता था। जीरो दिया जब मेरे भारत ने, तो इसलिए इसकी जो शेप है वो गोल है दोस्तों और आसानी से चलता भी है। ये बहुत भारी चक्का है, इसका साइज देखो भाई, तकरीबन ये 4 फीट के आसपास है और ये बम के गोले जैसा दिखाई दे रहा है भाई, और इसके अंदर ना जाने क्या वो रखते होंगे सुरक्षात्मक ढंग से। और दोस्तों अब मैं आपको ना उस समय की एक ऐसी चीज दिखाता हूँ जिसका जिक्र मैंने अपनी वीडियो में किया है कि राजा महाराज अपने समय में जो मशाल होती है उसको जला के रखते थे। ये आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर अंगारे आग जलाकर इसको धधका दिया, यानी कि पहले के समय में आपने देखा होगा कि वो आग जलाते थे। इसको उठा के दिखाता हूँ दोस्तों, मेरी हवा देखना कैसे टाइट हो जाएगी। कम से कम भी दोस्तों इसका जो वजन होगा ना 50-70 केजी के आसपास हो सकता है। हाय, और दोस्तों ये इस्तेमाल करते थे उनके सैनिक भाई साहब, पहले के लोगों की कोई तुलना नहीं है। ये दोस्तों ऐसा लगता है कि शायद इसमें ऐसे बांधकर सामान को ले जाने के लिए एज अ बकेट इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए भाई, भाई साहब पीतल की अलग अलग मेटल की बनी हुई कितनी प्यारी इसके ऊपर नक्काशी की गई है भाई, बड़ी ही जानदार शानदार चीज़ दोस्तों। ये आपको समय का एक पिंजरा दिखाता हूँ मैं, देखिए ये पिंजरा देख रहे हैं चिड़ियाओं के लिए, डबल पिंजरा बनाया गया एक साथ में कनेक्टेड है एक के साथ एक। दोस्तों ये उस समय का ढोल रखा हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ ढोल, ये देखिए, ये देख दोस्तों इसके ऊपर जो ये इस्तेमाल करते हैं ना, ये किसी ना किसी जानवर की खाल को इस्तेमाल किया जाता था। अक्सर ऐसा लोग बताते हैं कि इसके अंदर जो पाड़े होते हैं, जो गेंडे होते हैं, उनकी खाल को सुखाकर इसको बनाया जाता था और तभी इसकी जो आवाज है या जो इसके अंदर जो धुन है वो बनती है। ये देखो इन भाई ने हमारे लिए और आसान कर दिया, भाई ने ऊपर का सामान हटा दिया, सही बात है। अरे वाह, साउंड क्रिएट होता है इसके अंदर, ये साउंड अलग-अलग टाइप के
अलग अलग तरह का साउंड क्रिएट। अच्छा दिखाएं भाई जी। अरे वाह दोस्तों, टेक्निक देख रहे हो, भाई ने हमें बताया कि यदि आप इसको यूज करते हो अलग अलग पोर्शन में तो इसकी साउंड भी अलग अलग आएगी। जैसे कि मैं इसको पहले सेंटर में करता हूँ, अब कॉर्नर पे करता हूँ, अब यहां करता हूँ। तो दोस्तों इससे सबसे मेन बात एक तो साउंड वेरिएशन क्रिएट होता है और इसकी जो गूंज है ना वो काफी दूर तक है। दोस्तों थोड़ा इसको बजाते हैं, मैं स्कूल के अंदर अपना तबला बजाता था जब। अब इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि मेरे को बैंड बाजे में भर्ती हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर कलेक्शन हमें देखो कितना सारा देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये उनके अनाज रखने के वेसल्स, ये देखिए इनके अंदर वो अपने चावल वगैरह कुछ रखा करते थे इन वेसल्स में। और नीचे के कितने बड़े बड़े जो ये बर्तन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, आपको इनको देख सकते हैं एक बार हम यहाँ पर। इसको देखते हैं कहाँ से खुलेगा ये, इसका खुलने का है क्या कुछ। ये देखो भाई बहुत भारी भारी है ये, और ये देखो इसके अंदर। और दोस्तों ये देखो ये भी सारे मतलब उस समय के ही इस्तेमाल में लाए गए सारी जो चीजें हैं। ये क्या भाई जी, मशाल बोलते हैं। अच्छा ये थी मशाल वो। हाँ। दोस्तों ये वो जो हाथ में पकड़ के चलते थे ना पुराने टाइम के जो सेनापति, ठीक जो सेनाएं होती थी जो रात के अंधेरे में निकलती थी, वो इसी को हाथ में आग को डालकर वो इसी से चले। अरे वाह दोस्तों, जिक्र तो आपने अक्सर सुना होगा लेकिन देखने का मौका आज मिला है। ये है वो हकीकत की मशाल जिसको मैं अक्सर किले के अंदर जाकर बोलता हूँ, इस तरह से लेकर उनके जो सैनिक थे चलते थे, लाइक ये उनके वो स्टेप्स होते थे, ठीक है ना। ये भी एक आयरन का मटका होता है। अरे वाह, ये पानी वानी भरने के लिए, ये दोस्तों पानी भरने के लिए। ये मटकी देखो कितनी सुंदर मटकी बनी है यार, और मैं तो बस ये सोच के हैरान हूँ कि इतने समय पहले उनकी इतनी अच्छी अच्छी चीजें। अरे वाह, अच्छा मिट्टी का है हल्का सा। अरे वाह यार, मिट्टी का पोट। और एक बार ये दिखाइएगा, ये पानी भरने की सुराही सी दिख रही है, है ना दोस्तों, सुराही है ये। अक्सर आपने देखा होगा इन्हें पानी भर के शाही लोग ऐसे पीते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ज़्यादातर हम लोगों ने तो शाही लोगों को इसमें दारू पीते देखा है भाई, ये बाकी किस लिए इस्तेमाल आती थी वो राजा महाराजा और सेठ लोग ही जानते हैं। और यहाँ पर देखो भाई दोस्तों, ये थे उनके खजाने को छुपाने के राज। ये देख रहे हो इतने बड़े बड़े उनके संदूक बक्से, ये लकड़ी का बना हुआ है और लकड़ी इतने वर्षों के बावजूद भी बिल्कुल ज्यों की त्यों बनी हुई है। ना जाने टीक की लकड़ी है, सांगवान की लकड़ी है, शीशम की लकड़ी है, या फिर राजस्थान की लोकल लकड़ी है दोस्तों। ये वाली उठा के देखिए, बहुत ही हैवी वेट में मिलेगा। भाई ने मुझे कहा इसको उठा के देखिए, मैं कोशिश करता हूँ भाई। बिल्कुल सभी सभी हैवी वेट कर रहे हैं दोस्तों, तकरीबन तकरीबन इसके अंदर जो वेट होगा वो 12 से 18 किलो होगा तकरीबन, और जिसमें खाली है ये। इसका कार्विंग देखिए ऊपर का, ये देखो कलाकार ने क्या दिखाने की कोशिश किया दोस्तों। और इस ना बक्से को देखो भाई खोल रहे हैं, इसके ऊपर का कलर देखो दोस्तों, कितना अलग अलग जो इसमें कलर टेक्सचर है वो 3D इफेक्ट हमें दे रहा है यहाँ पर। और देखो भाई इसको खोल के दिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये देखो समय के बक्से, यहाँ पे कुछ लेटर वगैरह रख देते होंगे अपने, और ये इनका बाहर का हिस्सा। और ये देखो हमारे भाई जी ने एक दूसरा बक्सा इसको दिखाने के लिए इसकी पन्नी हटा दी है दोस्तों। इसको देखो खोलने के लिए ना इसका छोटा सा ये वाला हिस्सा में दिख रहा है, और ये देखो ऐसे हाथ देकर हम इसमें कुछ रख सकते थे। इससे ना ये पता लगता है कि उनके शायद ना जो कुछ ज्यादा ही जो पर्सनल चीज थी, जैसे कि ज्वेलरी हो गया, खजाने, हीरे जवाहरात, वो इनके अंदर रखा करते थे वो सेठ लोग, वो राजा महाराजा समय में। और ये है दोस्तों उनका शाही बक्सा। भाई साहब आप इसके अंदर का स्पेस देखो कितना बड़ा है, तकरीबन 5 फीट और 1.5 फीट ये चौड़ा होगा, और अच्छी लकड़ी का बना हुआ है ये। और दोस्तों इसी के साथ साथ में इसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको काम देखने को मिलेगा। जो काम आप यहाँ देख रहे हैं वो वाला काम आप देखेंगे तो पूरे का पूरा पीतल का किया हुआ दोस्तों, इसके ऊपर काम आज भी शाइनिंग कर रहा है। और ये इतना सारा एंटी कलेक्शन देखकर मेरा तो दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया दोस्तों। और ये आ जाते हैं दोस्तों कुछ पराते, ये परात सारी ये पीतल की परात है सारी ये। और दोस्तों ये परात का साइज देखो कितना बड़ा साइज है, ये देखो ये देखो। अरे वाह यार, हाँ हाँ हाँ, अरे भाई साहब इसमें कारीगरी देखिए दोस्तों, ये परात सच में बहुत भारी है। और ये इसकी कारीगरी देखो दोस्तों, आप ये ड्रैगन बना रखा है, आप लोगों ने देखा होगा चीन का सिंबल भी ड्रैगन ही है। और इसके बाद दोस्तों ये मत सोचना कि हुक्का सिर्फ आप लोग पीते हो, राजा महाराजों के शौक जानोगे ना हैरान हो जाओगे दोस्तों। ये उस समय की छोटी हुक्की हुआ करती थी, और ये उस समय का शिगार कह सकते हो आप, या फिर उनका एक छोटा शाही हुक्का कह सकते हो। शाही क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके ऊपर जो काम किया गया है ना
उस काम को देखो, सारा सिल्वर कोटिंग पेंटेड किया गया दोस्तों इसके ऊपर। ये यहाँ से वो अपना पाइप वगैरह लगाते थे और यहाँ पर वो हुक की छोटी सी इसके ऊपर अंगारे की रखा करते थे। और दोस्तों ये हमें देखो एक और देखा है, ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए जब घरों में कोई मेहमान आते थे तो ड्राई फ्रूट रख के उनको पेश करते थे। इस पे काम देख रहे हो दोस्तों आप, ये कलाकार ने कितनी जान झोंकी दोस्तों इस काम के अंदर। सिंपल सी बात है, राजा महाराजाओं का डर हुआ करता था, इसी वजह से तो वो अपने काम के अंदर बेस्ट देते थे। आज के समय डर खत्म हो गया तो काम बेकार हो गया है। और दोस्तों ये है हमारी यहाँ की एक ये फ्रूट्स की एक बकेट पकड़ने का, देख सकते हो ये। पता दोस्तों मेन बात ये मैटर नहीं करता कि आज हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, मैटर ये करता है कि उनके पास आधुनिक तकनीक नहीं थी, उसके बावजूद भी उन लोगों ने अपने हाथों से इन चीज़ों को ऐसा बना दिया, ना जाने कैसा बना दिया। तो दोस्तों ये सब चीज़ें देखकर हमें बहुत अच्छा लगा, और इस प्रकार की एंटीक कलेक्शन हमें और भी मिलता तो उनको ज़रूर हम दिखाएंगे। तब तक ले जय हिंद जय भारत।